धार्मिक होने का अर्थ क्या है? इस सारी दुनिया में अनंत काल से धर्म को लेकर ही सारा उपद्रव शुरू हुआ। इस पृथ्वी पर हजारों लाखों युद्ध लड़े गए हैं और करोड़ों अरबों की संख्या में लोग मारे गए हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज 21वीं सदी में भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर धंधे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चल रहे हैं, धर्म के नाम पर सब कुछ हो रहा है, धर्म के नाम पर तरह तरह के वाद चल रहे हैं, ईसाईवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, सिखवाद, आतंकवाद, कोई ऐसा वाद नहीं है जो धर्म से जुड़ा नहीं। लेकिन इस सब का मूल कारण यही है कि लोगों को धर्म का और धार्मिक होने का सच्चे अर्थों में पता ही नहीं है। जिन्हें हमने सारी दुनिया में जगत गुरु की संज्ञा दी, जिनके प्राणों की गहराई से धर्म शब्द पैदा हुआ, उस धर्म शब्द के द्वारा जिस संदेश की अभिव्यक्ति हुई, उस धर्म का अर्थ जान लेना जरूरी है। धर्म शब्द की उत्पत्ति धृत धातु से हुई। धृत का अर्थ होता है धारण करना, तो धर्म का अर्थ होता है वो जो सबको धारण किए हुए है, जो सारी चीजें, सारे व्यक्ति, पशु पक्षी जानवर और सारा पदार्थ का जगत है, इस सबको जो धारण करने वाला है वो कौन है? जो है वो मूल स्रोत जो सबको धारण किए हुए है, उस मूल ऊर्जा से जुड़ जाना, इसी का नाम धर्म। यानी जो हमारा मूल स्रोत है, जहां से सर्वस्व की उत्पत्ति होती है, उस मूल स्रोत से जुड़ जाना ही धार्मिक होने का अर्थ है।